हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिलशाद आलम, करेंटली थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। एंड या, एज ऑल ऑफ यू कैन सी, टुडेस वीडियो इज अबाउट ऑल द नेसेसरी आइटम्स व्हिच यू नीड टू बाय बिफोर एंटरिंग अ मेडिकल कॉलेज। एज वी ऑल नो, देयर आर टू थिंग्स व्हिच गिव्स डॉक्टर हिज और हर आइडेंटिटी। फर्स्ट वन इज द स्टेथोस्कोप एंड नेक्स्ट थिंग इज द व्हाइट एप्रन। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेथोस्कोप, लिटमैन कम्स टू आवर माइंड। नाउ इफ यू डोंट नो व्हाट लिटमैन इज, आईफोन in mobiles as equivalent to litmus in stethoscopes. So there is no point of spending 10 to 12,000 for a normal stethoscope now in the first year, because in the first year, you have to use stethoscope very less. And a normal stethoscope like this, which comes under, you can say, 700 to 800, is sufficient for all of us. If you also want a little bit of good, you can go for stethoscopes which are like 1,000 to 1,200, like Infos ke stethos hai and all. 700 to 800 ke stethos will do. कमिंग टू एप्रन, आप लोग सोच रहे होंगे कि एप्रन हमको फुल लेंथ का लेना है, हाफ लेंथ का लेना है, ओके? सो दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट स्टेट्स। असम में वी वेयर फुल लेंथ क्लॉथ्स इन आवर अंडर ग्रेजुएशन, एंड इंटर्न्स, पोस्ट इंटर्न्स एंड पीजीज, दे वेयर हाफ स्लीव एप्रन्स। मेनी कॉलेजेस विल प्रोबेबली बी हैविंग देयर ओन यूनिफॉर्म। अलॉन्ग विथ योर यूनिफॉर्म सेट, आप दो एप्रन ही ऑर्डर करोगे, उसमें आपके कॉलेज का लोगो होगा। एंड मेक श्योर अपने स्लीव को थोड़ा छोटा रखिए ताकि एप्रन ज्यादा स्टेन ना हो। नाउ टॉकिंग अबाउट बुक्स, आपको कौन से बुक्स लेने हैं, आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना लिया है। जस्ट विजिट द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द वीडियो व्हिच इज डिटेल्ड अबाउट बुक्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू टॉक अबाउट बाइंग एसेंशियल गैजेट्स, उसमें एक अच्छा फोन आ जाएगा। मेक श्योर एक डिसेंट कैमरा हो, बिकॉज यू कैप्चर लॉट ऑफ फोटोज ड्यूरिंग MBBS। यू कैन हैव योर स्पीकर्स, हेडफोन्स, एयरपॉड्स, दिस इज योर पर्सनल चॉइस। And these are important for recreational activities. Iske baad, we are here to talk about the most asked question, ki is iPad necessary or not? So different people have different perspectives. If I talk about my own self, agar iPad nahi hota, to I would have failed in my first year MBBS exams, because I was very sick and iPad notes, iPad helped me a lot during those moments. And I feel one of my best purchases in first MBBS was my iPad. But this differs very much from people to people. अगर आपके पास iPad नहीं भी हुआ, ऐसा नहीं कि आप कहीं पीछे छूट जाओगे। Many of the students don't have iPad and doing great in the MBBS. If you're well adapted with like using digital notes and reading PDFs and you know screen, तो you can have your iPad. उसमें काफी बचत भी हो जाती है। As we know कि medical books are very expensive, there are certain books like the standard books which I have personally not bought. I had downloaded all in PDF form and मैंने iPad से ही उनको पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में तो नहीं, पर आगे चल के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आप कोई ना कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म परचेज तो ज़रूर करोगे, चाहे मैरो, प्रेपलाडर, डैम्स, कुछ भी हो। तो बड़ी स्क्रीन होगी तो थोड़ा कंफर्टेबल फील करोगे, आँखों में स्ट्रेन कम होगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए आईपैड या फिर टैबलेट इज इम्पॉर्टेंट। एंड फ्रॉम आईपैड, आई डोंट मीन कि आप एप्पल आईपैड ही खरीदो, एनी टैबलेट वुड डू। इफ यू थिंक कि आईपैड इज कॉस्टली, यू कैन ऑल्सो गो फॉर अदर टैबलेट्स लाइक सैमसंग टैबलेट्स। आर यू नो 50-50 रेशियो में यूज होता है आईपैड एंड सैमसंग टैबलेट MBBS में। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सैमसंग का टैबलेट ले रहे हो और एनी अदर ब्रांड का टैबलेट ले रहे हो, देन इट्स ऑन यू। बट इफ यू आर गोइंग विद आईपैड, ओके, आई वुड से कि या फिर एकदम बेसिक लो, ठीक है। एंड इफ यू यू नो यू कैन अफोर्ड एंड नॉट आउट ऑफ नेसेसिटी एंड दिस इज अंडर लग्जरी, देन यू कैन गो फॉर आईपैड प्रो, नो इश्यूज। बट अगर आप बेसिक आईपैड ले रहे हो, then I feel the most optimized is iPad 9 generation, ठीक है, 64GB वाला is a good choice, it's a very good choice in iPads, because that is the most basic you know version of iPad in 9 generation, क्योंकि 10th generation का same iPad, they have increased its price from 30,000 to 44,000, and 9 gen का iPad शायद आपको अभी 26-27 में available हो जाए। Talking about laptops, अगर laptop चाहिए कि नहीं, so like laptop in general trend नहीं चाहिए होता है। You will be asked to present seminars, you will be asked to create presentations. उसके लिए we need laptop, लेकिन किसी ना किसी के पास तो laptop हो ही जाएगा। Like अपने friend circle में किसी ना किसी के पास तो laptop हो ही जाता है, तो उससे manage हो जाता है। So if you really don't need, don't go for a laptop. Instead go for a tablet. Apple का खरीदना है, Samsung का खरीदना है, that's all your choice. So after a lot of wait, let's dive into academic part. So if you don't know, you have three subjects in your first MBBS, that are anatomy, physiology and biochemistry. So subject wise we'll see ki hame kya kya cheez chahiye jo first year mein like we'll need, theek hai. But first of all we'll talk about the subject of anatomy, and uska sabse zyada interesting jo aap idhar dekh rahe hai, that is
दिस बोन सेट. सो टॉकिंग अबाउट बोन सेट, दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ स्कल और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोन सेट के लिए और ये सबसे ज्यादा डिमांड में भी रहता है बिकॉज यू नो बिकॉज ऑफ दिस आपके बोन सेट का प्राइस अराउंड 2000-2500 से फ्लक्चुएट हो सकता है. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि इसको बेस ऑफ स्कल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो क्रेनियल वॉल्ट है दैट इज एबसेंट, क्रेनियम जो होता है हमारा ये वाला ये एबसेंट है. तो दिस इज जस्ट द बेस ऑफ द स्कल, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज द फोरामेन मैग्नम एंड बाकी आप बाद में सीख लोगे. सो दिस इज द बेस ऑफ द स्कल. सो टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट बोन्स, दिस इज योर हिप बोन, इसका वी होल्ड इट लाइक दिस, दिस इज द एनाटॉमिकल पोजिशन, ये सब आप बाद में सीखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मैंडिबल, आपको दिख भी रहा होगा इधर दो दांत बाकी है अभी भी जिनका भी था ये, ठीक है. दिस इज द ऑसिपिटल बोन, बेस ऑफ द स्कल का एक पार्ट है ये, ठीक है. दिस इज द सैक्रम जो हमारे वर्टेब्रल कॉलम के एंड में जाके जुड़ता है, ठीक है. दिस इज द कॉक्सिक्स, आपको बेसिक बोन्स तो पता ही होगा. दिस इज अ वर्टिब्रा, ठीक है, दिस इज अ वर्टिब्रा, उसमें भी जो लंबर वर्टिब्रा देन सर्विकल वर्टिब्रा, उन सभी के एक एक पार्ट होने जरूरी है आपके बोन सेट में, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रा दैट इज योर एटलस एंड एक्सिस. देन वी हैव सम लॉन्ग बोन्स हियर, ठीक है. दिस इज द, यू कैन सी बहुत बड़ा एंड बहुत तगड़ा बोन, दिस इज द फीमर दैट इज द लॉन्गेस्ट बोन. दिस इज द टिबिया, ठीक है, दिस इज द टिबिया, यू कैन सी दिस. देन दिस इज द ह्यूमरस, ठीक है, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द अल्ना, ओके. और ये बोन है फिब्यूला, बहुत पतला सा बोन होता है, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द बोन्स एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक बोन है, छोटा सा हॉरिजॉन्टल बोन, दिस इज द क्लाविकल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दीज आर द रिब्स, रिब्स में द फर्स्ट रिब इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मिस मत करना, वो आपके बोन सेट में इंक्लूडेड रहना चाहिए, ठीक है. सो देर आर सम मोर बोन्स लाइक आपके कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, देन टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स, देन यू हैव योर पटेला, ठीक है. सो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है. यू ऑल्सो हैव आपके हील बोन्स दैट इज कैल्केनियम, टैलस, ये सारे बोन्स अगर आपके बोन सेट में प्रेजेंट हो देन दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं भी हो देन दैट्स नॉट अ बिग इशू. जो बोन्स मैंने दिखाया है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक उनमें से कोई बोन एब्सेंट नहीं होना चाहिए. आपका जो बोन सेट होता है दैट इज यूनिलैटरल बोन सेट, एक तरफ का बोन सेट होता है, बिकॉज वी हैव आवर बॉडी इज बायलैटरल, तो फोरआर्म के चारों बोन्स नहीं चाहिए, कोई भी हाथ का बोन अगर है आपके पास दैट इज इनफ. सो यू गेट आधा बोन्स और आधा बोन का जो प्राइस है, प्राइसिंग है वो कॉलेज वाइज डिफर करता है. तो स्टैंडर्ड प्राइस है लाइक मेरे कॉलेज में, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में, दैट इज अराउंड 14,000-15,000. अगर आपको 14,000-15,000 अलॉन्ग विद दिस वन बेस ऑफ स्कल मिल रहा है देन यू आर गेटिंग एट एन वेरी गुड प्राइस. इट कैन ऑब्वियसली फ्लक्चुएट, 18,000 तक का भी जा सकता है एंड दिस डिपेंड्स ऑन लाइक उन्होंने कितने में खरीदा था, ठीक है. वन थिंग फ्रॉम माई साइड विल बी, आप अभी ना खरीदो, कॉलेज आओ, कॉलेज आने के बाद वेन यू विल बी लाइक डिवाइडेड इन ग्रुप्स, अपने फ्रेंड्स के बीच में लाइक 2-3 पीपल कैन बाय वन बोन सेट and share among yourselves. This will really help you both financially and in understanding, because obviously bones aap akhele nahi padhoge, you will be studying in groups, that will really be helping out. And agar aapko bone set nahi milta hai, like suppose sare bone set bik gaye ho, seniors ke paas bone set available nahi ho, then like you can search for bone set in some other colleges, like Assam Medical College se bhi idhar bone set kafi aajkal aata hai and udhar thoda sasta bhi padta hai. या फिर यू कैन यू नो बाय द आर्टिफिशियल बोन सेट दैट इज अवेलेबल इन अमेजोन और फ्लिपकार्ट, यू नो लाइक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, दैट कॉस्ट अराउंड लाइक 8,000-10,000, बट ऑलवेज प्रिफर टू गो फॉर रियल बोन्स. हिस्टोलॉजी में यू नीड टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑल द सिस्टम्स एंड सिंस द स्टेन गिव्स पिंकिश व्यू, यू यूज योर पिंक कलर बहुत ज़्यादा. फेबर कैस्टल या डॉम्स के कलर्स विल डू, बट आपको जो कलर चाहिए पिंक वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. सो इंस्टेड यूज HNE पेंसिल्स जो पिंक कलर देते हैं, जो आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करना होगा, और इससे बार बार आपको कलर पेंसिल्स के पूरे सेट को खरीदना नहीं पड़ेगा. सो डू चेक इट आउट. सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन फॉर फर्स्ट MBBS इज योर डिसेक्शन हॉल, वेयर यू मीट योर फर्स्ट टीचर दैट इज योर कैडेवर डेड बॉडीज, जिनके ऊपर लाइक वी डिसेक्ट एंड वी लर्न थिंग्स, वी लर्न अबाउट द ह्यूमन एनाटॉमी, उनका हम कैडेवर बोलते हैं. तो दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन फर्स्ट MBBS, इजंट इट. तो उसके लिए लाइक फॉर योर डिसेक्शन रूम यू नीड अ डिसेक्शन किट. सो दिस इज अ बेसिक डिसेक्शन किट. तो लाइक डिसेक्शन किट आपको अप्रॉक्सीमेटली 800 में आपको आ जाएगा. सो देर इज सम बेसिक इक्विपमेंट्स, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको चाहिए होता है. जस्ट लेट मी जस्ट शो यू. देर इज अ स्कैल्पेल विच यू हैव टू होल्ड लाइक अ पेंसिल, ठीक है. एंड ये सामने आप देख रहे होगे कि ब्लेड लगाया हुआ है, इज अ सिंगल टाइम यूज ब्लेड, और अलग से ब्लेड आपको खरीदने में मिल जाएंगे.
सो इससे हम इंसिशंस देते हैं, हम जितना चीरना फाड़ना इसी से करते हैं, राइट? दीज आर द फोर्सेप्स, ये पॉइंटेड फोर्सेप है. सो दिस इज द टूथेड फोर्सेप, और इसको टूथेड क्यों बोलते हैं आप भी देख लीजिए. सो यू कैन सी टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स इन द टिप ऑफ दिस, तो इसलिए इसको टूथेड बोलते हैं. इससे हम टिश्यू को पकड़ के रिट्रैक्ट करते हैं. ओके, ये और एक चीज है, दिस इज द सीजर. दिस मच इज इंपॉर्टेंट इन योर डिसेक्शन किट, बाकी जो है वो जैसे का वैसे ही रह जाएगा, आपका फर्स्ट एड चला जाएगा. ओके, अलॉन्ग विद दिस यू विल नीड मास्क एंड ग्लव्स इन अ रेगुलर बेसिस. सो वन सजेशन फ्रॉम माई साइड विल बी कि ग्लव्स का जो पूरा एक पैक आता है प्रॉब्ली 500 to 600 का, ठीक है, उसमें अराउंड 60 पीसेस होंगे, यू बाई दैट, क्योंकि आपको होना ना हो आप खरीदना ही पड़ेगा. और अगर टीचर्स को पता चल गया कि यू आर लाइक इन द डिसेक्शन हॉल विदाउट मास्क एंड ग्लव्स, तब तो लाइक नो वन कैन सेव यू. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी में वी हैव सर्टेन यू नो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमको सीखने होते हैं, उसके लिए वी नीड सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सी दिस इज द पैटेलर हैमर, ठीक है, पैटेलर हैमर, इसको हमने पैटेला जो हमारा बोन है नी बोन उसके ऊपर हमने नाम दिया है. सो दिस इज यूज टू एलिसिट सर्टेन रिफ्लेक्सेस एंड जर्क्स. जैसे आपने सुना होगा नी जर्क, एनसीईआरटी में शायद नी जर्क के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ था. सो वी एलिसिट नी जर्क, वी एलिसिट यू नो टेंडन रिफ्लेक्सेस, बाइसेप टेंडन, ट्राइसेप टेंडन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप बाद में सीखोगे. सो इसके लिए यू नीड टू बाय दिस. एंड फर्स्ट ईयर के लिए यू गेट अ ट्राइंगुलर शेपेड पैटेलर हैमर, ठीक है, प्राइस अराउंड 200 के अराउंड प्राइस होगा, यू कैन चेक फॉर दैट. इसके बाद यू ऑल विल नीड अ बेसिक टॉर्च, ठीक है, जो आपके आई एग्जामिनेशन है, जो यू नो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स है, उसको चेक करने के लिए यू नीड दिस टॉर्च, ठीक है. सो यू विल नीड दिस वन. एक छोटा पेंसिल बैटरी वाला टॉर्च विल डू. वन मोर थिंग इज जो ईयर एग्जामिनेशन के लिए हम यूज करते हैं ट्यूनिंग फॉक, जो आपने अपने 11th 12th के प्रैक्टिकल्स में देखा ही होगा, ठीक है, फिजिक्स में देखा ही होगा. सो 128 हर्ट्ज और 256 हर्ट्ज वाला जो ट्यूनिंग फॉक है वो आप कॉलेज में आने के बाद आराम से लाइक खरीद सकते हो. वो सबके पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन 3-4 स्टूडेंट्स के बीच में किसी एक के पास होना जरूरी है ताकि आप गाली ना खाओ. वैसे ही दिस इज द स्फिग्मो मैनोमीटर. यू ऑल नो दैट दिस इज द ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सो एज दिस इज अ बिट कॉस्टली, लाइक 2000 के रेंज में हो जाता है, सो बेटर कि आप में से कुछ फ्रेंड्स मिलकर इसको खरीदो ताकि लाइक आपको बीपी का प्रैक्टिस भी होता रहे और लाइक आप लोग गाली भी ना खाओ, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट एवरीथिंग यू नीड बिफोर एंटरिंग टू मेडिकल कॉलेज. टेक होम मैसेज विल बी कि बोन सेट, आप लोग अगर किसी को अगर ऐसा हो रहा है कि आप खरीद ही नहीं पा रहे हो ना, देन जस्ट एड ऑन अ ग्रुप जिनके पास ऑलरेडी बोन सेट है. इट विल बी वेरी गुड इफ 2-3 फ्रेंड्स मिलकर एक बोन सेट खरीदे, आपका पैसा भी बचेगा और आपका पढ़ाई भी एक साथ होगा, ठीक है. एंड MBBS में MBBS कैसा होगा, MBBS डेज कैसे होंगे, फर्स्ट ईयर में हमको कैसा क्या करना है, आई बी कमिंग अप विथ मोर कॉन्टेंट लाइक दैट. सो फॉर दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. And if you have already subscribed, then do like the video if you liked it, share and do comment. I'll be glad to answer you. Till then, let's meet in the next video. Bye-bye.